आज का हमारा सफर रहेगा शिव से आगे। हम जा रहे हैं, एक गिद्ध घायल अवस्था मिला, उसको लेके आएंगे। रास्ता पूरा टूटा फूटा रास्ता क्रॉस किया है हमने। हमारे सहयोगी रतन जी गाड़ी चला रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं लगभग सीताराम जी की ढाणी जो शिव क्षेत्र में आती है। तीसरी बार रोड बदलनी पड़ रही है। राजस्थान में मरुस्थली इलाकों में रोड ऐसी है, कच्चे रास्ते ऐसी है, भूल जाते हैं, नया आदमी चलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ ही सही है, उसको लागे भाई। हाँ ये मोट धीमे धीमे, ये डम्बर है, ये मूंग गया है रोड, ये कंक्रीट मिसाई है, कल परसों बन जाएगी। अरे उसको मौज आवे यार। हाँ सीधी सीधी है, धीमे धीमे कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूज करे वहाँ कम ही करे यार, कोई गो यार, चार पाँच रुपये बदल लिया पे दी। ए होदी तो आ गई, क्या होदी होदी गुटी रस्तों पे हुए पूरे एनु करे हम करे की एक पांव गए रे टूटी जी रे पांव उसो की थी क्रिक पे तो हुई काए। और अगले नहीं डोकरी बंदा ये रहे लखड़ा है भूखी कहीं ना कितना दिन हो रही बेचारी है, चार पांच दिन आज भूखी है, कहीं खादो है ये थोड़े टुकड़ो खादो है हैं रोटी टुकड़ो थोड़े बे बे बात थोड़े थोड़े पानी पीनी है सस्ता के भूखी भूखा मर भूखा मर तो खावे कहीं ठीक है बिरु कहीं को खाए थान खेत मिली थे खेत टोकर मोहन इनको शिव लेकर पहुंचे है, लग रही है इस बेचारी भूखी अभी तक, तो अभी ट्रीटमेंट कराएंगे इसका। देखो 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 ये भूखी है बेचारी, कितना लाभ होने पर मेरे लाल चोंच कौन मान अली काली चोंच ये वेनो पाइन एप्पल लग गए एमओ एमओ पाइन एप्पल टाइप भी होता है। अरे ये खा है दापा वो ये फेवरेट रोटी दूर लगा ले कौन ठीक रहा प्लास्टिक ये धूल में नहीं तो एक धूल कटेगी मैं तो दे जरूर कुछ इसका पेट भर जाएगा, अभी मरेगा नहीं, ये तो शोर है। कुछ मांस के टुकड़े डाले इसके आगे कहीं से ला करके थोड़ा
बड़े हमें ऊंचो की सर अपना हम करियो ये खादा पूरा ना अरे खादा अरे मैं याद कियो ए भगवान भेजो है ते इन था बड़े मरनी याद को है वन विभाग ने कुछ खाने के लिए बाहर से लाई है जो नॉन वेज की शॉप से तो कुछ भूख मिटा दे वन विभाग टीम के साथ यहाँ से रेस्क्यू कर रही है बाड़मेर के लिए। यहाँ से हम जाएंगे बाड़मेर। चलो एक फ़ोटो हो जाए गिद्ध के साथ। गिद्ध पहली बार पकड़ने का मौका मिला है तो हमारा भी फोटो हो जाए। टाइम लागी वन विभाग बाड़मेर पहुंच चुकी है और इसको ऑफिस के अंदर भी एक फोटो हो जाए सबूत के लिए। और यहां से एक फोटो होने के बाद में हम सुपर्द करेंगे वन विभाग को। मैं ठीक बैठा। अब इसको वन विभाग के कर्मचारियों को एक फोटो बढ़िया इतला करके इनको सुपुर्द करेंगे। गिद्ध की पंख बहुत लंबी होती है अपने पिंजरे में, एक मीटर लंबी। पर पकड़ने में भी इनको बड़ी मकसद के साथ पकड़ना पड़ता है। एक आया भैया गिद्ध के घाव पर बैठे गिद्धों ने भी मेरे मुंह पर हमला कर दिया। की है जिंदा है अमर फोटो ले। दरवाजा खोल दो। अरे गिद्ध क्या मला खनी है भाई कोई आओ नहीं यार। गिद्ध है गिद्ध है हां मास आवे को नहीं है वजन 3-4 किलो यार। ये खाली ही हूं ये मैं जा रहा यार। तो अब गिद्ध को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। अरे हाँ रुक 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 बस ये ना तो वन विभाग में छोड़ दिया ये सीधा बैठा भाई। अरे यार वो नहीं है सर। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ बताओ मुझे। अरे यहाँ पर इस पंख पे यहाँ पर ये बड़े ठीक है। देखो यार नहीं उसी काम को आप बताओ खतरनाक।
ठीक हो जाएगा ये इंजेक्शन लगा करेंगे तो ये वो निकल बीमार पड़े और फुल लगा यहां पर लगा हुआ एक तो